पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये लो और पहले अभी लखनऊ जाओ वापस। और देखो मम्मा पापा को समझा दो कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। नीति चलो ना हमारे साथ प्लीज। क्या कर रही हो यहाँ पर? असली काव्या को ढूंढ रहे हैं। दूसरों की जिंदगियां सुधारते सुधारते वो अपनी जिंदगी सुधारना ही भूल गई। तो अब इस बेवकूफ को ये समझाना है कि अब कम से कम अपने लिए जिए। दीदी कर लेना वो भी, पर उसके लिए ये जरूरी तो नहीं है बाकी सारे रास्ते भी बंद कर लो। कल आपने सरकारी नौकरी नहीं ज्वाइन करी ना तो दोबारा कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए। जानते हैं फिर ठीक है। सुनो बात ही है कि जो पाव है ना उसको गर्म मत करना, सिर्फ वड़े को गर्म करना, क्योंकि पाव सूख जाता है। और मम्मी पापा को ना चटनी और मसाला दोनों लगा के देना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अरे हमें ऐसे मत देखो, ये लो ये पकड़ो, ध्यान से जाना और वहां पे जाके हमें फोन करना। बाय। उस अधिराज प्रधान से नफरत है हमें। कौन? हम इस नाम के किसी को नहीं जानते। सत्ता से हम नहीं डरेंगे, अपना हक लेकर आएंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। सत्ता से हम नहीं डरेंगे, अपना हक लेकर आएंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कितना सोना मुंडा है का? दिल भर आंदा इन्नू वेख के। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। जे साडा मुंडा हुंदा तो फिर चौराहे पर चारपाई कौन तोड़दा? ऐ की कितई ऐ? ठीक ना है, अत्याचार है, जेल जाना तेनू। अच्छा दिन भर खुद सोया पड़ा रहंदा है और मेनू जेल भेजेगा तू? अरे मजाक कर रहा हूँ बेबी। बेबी सुनो ना, तो सीता मेरी चमेली हो, मेरी शीला हो, मेरी बदनाम मुन्नी है। बेबे इंज गुस्सा नहीं करते। बेबे एक काम करना, परौंठा खिला देना। तेरे जैसे परौंठा पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाता। बेबे राती तो भूखा हाँ। तेरी सो। अच्छा दस केड़े पराठे खाएगा? कोई लच्छेदार मसाला पाके। ठीक है चल, अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, गर्मा गर्म पराठे लेके आनी है तेरे लिए। क्यों ही ना बात। अच्छा मैनू चल। ओहो जब देखो दिन भर फोन फोन फोन, अरे तैयार भी नहीं हुआ तू। बेबे एक बार फोटो तो देख लो, कितना सोना लग रहा हूँ हैं? नजर नजर न लग जाए। बस सादे रहने हुए तेनू नजर कौन लगा सकता है हैं? अच्छा फड़ ले। और सुन राती आंधे वक्त है ना, एक क्वार्टर ले आई, नाले चकड़ा भी लाना है, नाल बैठ के पियांगे। बेबे तुसी ग्रेट हो, मैं तुसी साड़ा क्वार्टर से साड़ा चखना, साथी बैठ के माहौल सेट कर दें। हाँ बल्ले बल्ले बल्ले। पता नहीं वो मैं के साथ आएगी कि नहीं। कल की छुट्टी के बाद उसकी आखिरी अवधि भी समाप्त हो जाएगी, फिर कोई छुट्टी नहीं, सीधा बर्खास्त हो जाएगी हमारी बच्ची। पता नहीं क्या हो गया है काव्या को, ऐसा लगता है जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता किसी बात से। उस कमबख्त लड़के ने ऐसी चोट पहुंचाई हमारी बच्ची को कि उसका जज्बा ही मिटा डाला, दिशाहीन हो गई हमारी बच्ची। मयंक काव्या नहीं आई। ये भेजा आपके लिए।
ये क्या है? उसने कहा है मेरी फिक्र ना करें, मेरा जज्बा और जुनून अभी खत्म नहीं हुआ। आइए ये लीजिए, ये पकड़िए, ये लो। वो सब छोड़ो, पहले आप ये खाओ। पता क्या है ये है? वड़ा पाव। यहाँ पे आप इसको वड़ा पाव कह लो, पर मुंबई में इसे सोना कहते हैं। और हाँ पापा, ब्रेड पकोड़े से इसका कोई लेना देना नहीं। ये हाँ स्पेशल इंग्रेडिएंट, ये पता क्या है पापा? हरी चटनी नहीं है ये है जज्बा। जज्बा लो, फिर टेस्ट तो करो, बहुत मजेदार है। और ये पता क्या है? ये लाल चटनी नहीं है, ये है जुनून। मम्मी लो ना। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है मम्मी, बकवास नहीं है, ये यही कहकर भेजा दी थी। बदल गए वो, कोई मकसद नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा लग रहा है बस ऐसे ही इधर उधर की बातों में अपने दिन काट रही है। पता नहीं कहां चली गई हमारी। अच्छा मिसेस केजरीवाल, वो जो बार्सिलोना वाला पैकेज था उसका एडवांस आया है जो कपिल ने लिया था? हाँ आ गया है। ओके। हाँ बोलो मैंग, सही से पहुंच गए घर? क्या नहीं, पापा को हार्ट अटैक, पर अभी तक तो बिल्कुल ठीक। ठीक है हम अगली फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं और तुम हमें मैसेज करते रहना। ओके हम आते हैं। हाँ हम अभी लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर ही निकले, हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं। और पापा कैसे? अभी वैसे ही हैं। अच्छा आप रुको, हम टैक्सी बुक करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। संजीव जल्दी कर, एयरपोर्ट पहुंचना है। हाँ हाँ आ रहे। वो टैक्सी का नंबर भेज दिया, आप जल्दी से घर पहुंचो। घर? पापा हॉस्पिटल में नहीं है अभी? जी डॉक्टर ने खुद भेजा है। पर तुमने वापस आने कैसे दिया मयंक? वो स्टेबल है, आप आ जाओ। थैंक गॉड। अच्छा हम बस जल्दी से घर पहुंच रहे, पापा को भी बोल दो हम उनके पास आ रहे हैं जल्दी। और हमें टैक्सी भी मिल गई है, सामान डाल दो गाड़ी में प्लीज। अरे 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 क्या कर रही है मैडम? इतनी बेरहमी से तो कोई सौतन को घर से नहीं निकालता, ये तो मेरी जाने तमन्नाएं हैं। आराम से। ये जाने तमन्नाएं, ये इतनी सारी जाने तमन्नाएं होंगी ना तो कबाड़ ही मचेगा जो कि मच चुका है। कमाल है, आप तो इंसल्ट करने लग गई, हद है। नहीं मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी प्यार से, इन्होंने बहुत खुशियां दी हैं मेरे को। और वैसे भी नजाकत तो लखनऊ की खासियत है, नहीं?
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।